पूर्वरु सरकारी जागा को नहीं चलता मतभेद, किंतु हठात एभली एक परिस्थिति उपजिला जोठी सीरीयल बोमामाड़ है एवं ये हूँ बोमामाड़ पर दृश्य। आम बर्तमान अच्छा ब्रह्मगिरी अंचल नाथपुर गाँव में जोठी 35 खंडा मौजार लोक नाथपुर अंचल जो लोक रोचान जो मैंने सरकारी जगह को अधिग्रहण कर रही थे से विरोध करुले से अभोग पखापाखि 5000 लोक पुलिस उपस्थित रे सीरीयल बोमामाड़ कले बोमार चित्र आपको देखा कैमेरा पर्सन हेमंत सेठी बर्तमान समय भिजुआल आपको देखा जे एबे भी अफुटा बोमा किभ भाव में विछुड़ पड़ी और सबुठ बड़ कथा हूँ पखापाखि समस्त घर उजुड़ जा कार बाइक भांगी कार घर उजुड़ी समस्त आसवा बर्तमान पत्र सब नष्ट सबकि पड़ छारखार हो नाथपुर अंचल पुरुष लोक बर्तमान समय गाँव में नहांती कहीं जेहेतु पुलिस गिरफ कर भय लुचंट स्त्री लोक मैंने अच्छा से मत आलोचना करवा आज आपण असुविधा कौन है आप जगह को लेकिन अभियोग करते आपण मैंने मना कले कि कहीं बोमामाड़ कहीं बोमामाड़ कहीं आज्ञा से कौ था तुम्हें यू से ब्रह्मपुर आम जो निषेध हो आसलु ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर कौ था पैंतीस मौजा को नाच दे आज्ञा लक्ष लक्ष टा नाच दे आमको ये उच्छेद करने आम कहल आम जो बार आसीचु से राज्य छाड़ दी आम से राज्य को जीवना कहीं आमको से राज्य प्रति विपद अच्छी आम बहुत निर्यातना सही 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 आज पर्यटन पड़ी आउ निर्यातना सही पार्न आम चार चारिमास धरिकी बाट घाट दोकान बय बजार चारिड़े मना करदे आम से खाऊ केमी रही कमी बचू केमी आम रात अधर आज्ञा पार हो पलि आसलु यही नाथपुर ग्रामवासी थे आमको ये सरकार जगह बोली आश्रय देते आम ये आज्ञा रही सी बारंबार ए 8 मास दीर्घ सी कहते यूँ बाहरी जा बारंबार टाँह नाच दे कि बारंबार कहू से उठेदेगा को आम कहल आम सरकार आम 35 मौजा जगार तो रही ना आम सरकार जगार रही चु सरकार आमको जब उठेदे तेल उठेदे आम सरकार जगह छाड़े आम अगर कुआ जाऊ ना आयुष्मान ये रही यही कथा कह जगह कौन असुविधा आज्ञा आम कही पार्न सी का आसे आम गोड़ तले पड़ी अभिषेक कलु आज्ञा आम तो 35 मौजार किसी क्षति करूँ 35 मौजार आम कि क्षति करूँ आम जब आई ब्रह्मपुर क्षति करके आसीचु कि ब्रह्मपुर आम क्षति करपण मान कौन क्षति कर घर द्वार किसी ना बापदा किसी ना बंदूक मारे गुड़ चेरा बसीचे ये पास्टर है धरिकी बुलूँ आज्ञा कौन कह बंदूक से नुआ गाँ फुटे बाघ मुंडा गमहारी का 35 मौजा ब्रह्मपुर नाच देखिए आगे बहुत बंदूक आणिक पखला ब्रह्मपुर सी आगे बहुत बंदूक फुटे गाँ भर मोर गोटे पु निखोज हो जाए गोटा को पा ना कुआडे आउ 10 जन 12 जन निखोज हो पड़ी सब एम खंडिया घबरा हो पड़ी कौन है घटना घटला आरंभ कले नेंगा बांचण धरिकी आम हाथ में कि ना ठेगा बाड़ी धरिकी बहुत ये भितर रही जा प्रशासन को कहल आम को रक्षा कर कौन करो तो गाँव को जातु सियाड़े जातु आम आड़े आसना सियाड़े पड़ा आमको प्रशासन धक्का देखिए से गीताघर ठाकुर पठेदे गाँ को आसपटे बंदूक मारिकी मो स्वामी मुंड फाटी मो पुर तंटी नड़े बसिक मेडिकल पड़ी मुझे जी से मो मड़ घर द्वार पड़ी जाऊँ कौन करी जंगल भितर रात रही
ମୋ ପୁଅ ଗାଁ ଗୋଟେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ପୁଅ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ତାର ସେନ୍ସ ଆସୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ସେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଆଗରେ ଥିଲା, ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି, ଆମେ ଏପଟେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିରବ ରହିଲୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ବମ୍ ବସ୍ତାଟା ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଲେ, ସେ ତ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଆରଆଇ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତମ କଥା ବୁଝାହବ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ, ଜଣେ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ସେ ଆସିକି କହନ୍ତି ଏଥର ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ଏମିତି କହିକି ସେପଟେ ଯାଇକି ବମ୍ ବସ୍ତାଟା ଭିଡ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ମିଛ କଥା କହୁନୁ, ଏଇ ଘରକୁ ପକେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଦେଲେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମୋ ପିଲାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ରକ୍ତ ସାଲ ବାଲରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ତ କ'ଣ ହେଲା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପଡ଼ିଦେଲେ, କୁଆଡ଼େ ହେଲା, କେଉଁଠି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି କେତେ ଅଭିଯୋଗ କରି କେତେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲ, ଆମକୁ ଆରେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଷାଠିଏ ଆଡ଼େ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଇଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ପଡ଼ିଛି, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପା ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ଜାଗା ମାଗିଲେ କିଛି କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆ ହବ ବୋଲି, ତମ ପଟା ଫଟା ଦିଆ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କୋଉଠି ଏଇଠି ପଟା ଫଟା ଦେବେ, ହଁ ହଁ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଜାଗା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତମ ନାଁରେ ପଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସବୁ କରିକି ଆମ ଜାତି ଭାଇ ଆମକୁ ସାହସ ବଳ ଦେଇକି ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିଲେ, ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲୁ ଭାରି, କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ବରମରୁ ନାଞ୍ଚ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଥର ଏମିତି ମେଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର, ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଥପୁର ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ଅନାବଧି ଜାଗାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, 5000 ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ, ବୋମାମାଡ଼ କଲେ, ବୋମାମାଡ଼ କଲା ପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।